मैं इस वक्त वृंदावन में हूँ और वृंदावन में पुष्पा जी मिल गई हैं। पुष्पा जी, बच्चा छोटा सा है, आप हैं और ई रिक्शा चला रही हैं। चलो भैया, घर की स्थिति थोड़ी ऐसी है जो कि मुझे ई रिक्शा चलाना पड़ता है बच्चों के लिए। दोनों बेटियां हैं मेरे पास, तो दोनों बेटियों को अच्छा पढ़ाने लिखाने की मैं कोशिश कर रही हूँ और इसीलिए मैं ई रिक्शा चलाती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। तो आप मथुरा के ही रहने वाले हैं? हाँ भैया, मैं मथुरा के वृंदावन के। तो आपका रोजी रोजगार चल जाता है? हाँ भैया, हाँ हाँ चल जाता है। और अभी सियासी माहौल है, कल मतदान है, क्या लग रहा है? मतलब मतदान में क्या है, किस पार्टी का जोर है, क्या है, क्या भैया? देखो, जोर तो किसी का भी हो तो, लेकिन आने चाहिए मोदी बाबा। क्यों? हमें मोदी बाबा बहुत अच्छे लगते हैं और आज हम कमा के खा रहे हैं ना। हाँ। वो योगी बाबा और मोदी बाबा दोनों की वजह से ही हम कमा के खा रहे हैं। तो उसमें उनका क्या योगदान है? मेहनत आप कर रही हैं? बिल्कुल योगदान है। हाँ। मेरे भाई, बिल्कुल योगदान है, क्योंकि अगर योगी बाबा मोदी बाबा नहीं होते। हाँ। तो जो आज हम खुलेआम बिना मतलब कोई चिंता फिक्र के रिक्शा चला रहे हैं ना सड़क पे। हाँ। वो भी नहीं चलाने देते। तो ये कब से आप ई रिक्शा चला रही हैं? मुझे ये बिटिया मेरे 4 महीने की पेट में थी भैया। अच्छा, तो परिवार में और कौन कौन है? 2 बच्चियां हैं आपके? दो बच्ची हैं, यही मान लो यही परिवार है मेरा। मेरे पति हैं, वो घर की स्थिति कुछ है, प्राइवेट जॉब करते अच्छा, हैं नहीं। हाँ अच्छा, तो कोई मतलब, तो आप ये कह रही हैं कि आप खुले सुरक्षा इतनी है कि आपको कोई डर नहीं लगता? नहीं, है नहीं भैया, नहीं। कभी किसी ने पैसा मार लिया हो, उतर के चला गया हो, या आपको डांटा फटकारा? नहीं भैया, नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। हाँ। ये राधा रानी का देखो, जहाँ राधा रानी बसती हैं। हाँ। मेरा पैसा कोई नहीं मारता। अच्छा। नहीं मारता भैया, और मुझे अच्छे ही लोग मिलते हैं, और मुझे बहुत ही अच्छे लोग मिलते हैं। सवारियाँ भी ऐसी होती है कभी कभी कि 100 की बजाय मुझे 200 रुपए दे के चले जाते हैं। बहुत अच्छी। लेकिन हाँ, ठाकुर जी से, राधा रानी से यही दुआ करूंगी कि मोदी बाबा ही आए अब के। अच्छा। जी अच्छा, और कुछ अगर आप कहना चाहें महिलाओं के लिए? क्या देखो, महिलाएं से तो भैया मैं जरूर कहूंगी कि जो भीख मांगती हैं, जो कहती हैं मैं लाचार हूँ, मजबूर हूँ, हम लोग कुछ कर नहीं सकते, जो गंदे कामों में वो मतलब जुट जाती हैं, चल जाती हैं आगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेहनत करो, कुछ भी करो, लेकिन मेहनत करो, मेहनत करो भैया। मेहनत की कमाई बहुत, रोटियां इतनी मीठी होती हैं भैया, बहुत मीठी होती हैं मेहनत की कमाई की। बस मैं तो यही बोलूंगी भैया, जो भी लेडीज है, मजबूर मत बनो किसी के सामने, मेहनत करो और मेहनत से कर कमा के खाओ। क्या बात है, बहुत बड़ा संदेश इन्होंने दिया है कि महिला हो या पुरुष, मेहनत से कभी नहीं भागना चाहिए। और आप देखिए कि आप जो है दिन भर चलाती होंगे हमारे पास। भैया, मैं सुबह 8 बजे से आती हूँ और दोपहर में थोड़ा बच्चे छोटे हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं 2 बजे तक, 2 से 3 बजे तक रुक जाती हूँ, वरना मैं चलाती हूँ। अच्छा, एक चीज और बताइए, बच्चे तो, ये बच्ची पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है? ये बैग रखा है आपके सामने। अच्छा, ये देखिए, ये बैग ये रखा है, और मैं अच्छे स्कूल में पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश मीडियम में। ये बैग इसलिए रखा है कि मैं अभी ट्यूशन से, सीधे ट्यूशन से लेके आ रही हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ। हाँ। अब मेरा आने का टाइम हो गया था, तो मैंने ट्यूशन से उठाया बच्ची को और मैं साथ में ले आई। मैं बच्चों के लिए ही तो कमा रही हूँ, और किसके लिए कमा रही हूँ? इसको पता भैया, वो तो राधा रानी की इच्छा है कि इनको बनना क्या है, लेकिन मेरी इच्छा ये है ये पढ़ लिख के बहुत मेरा नाम रोशन करे, और मेरी जो मैं चला रही हूँ ना रिक्शा, ये सफल हो जाए। माँ का नाम रोशन करोगी ना, इतना मेहनत करके तुमको पढ़ा रही है। अपनी माँ के लिए इतना रोशन करूंगी, बहुत अच्छा। अच्छा, राधे राधे अंकल जी। क्या बात है। तो ये आप देखिए, बहुत बड़ा संदेश इन्होंने दिया है कि मेहनत करके, पुरुष हो या महिला, मेहनत करके कमाना चाहिए। और आप देखिए कि दिन भर ये मेहनत करती हैं, दो एक छोटा बच्चा है इसको ऐसे लेकर, और ये बिटिया जो है वो पढ़ाई कर रही है, अच्छी शिक्षा देने के लिए दिन रात जो है मेहनत कर रही है। वृंदावन से सचिन के साथ रवीश रंजन, शुक्ला, NDTV इंडिया।